नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने तीसरे प्रश्न तक अध्ययन कर लिया था और आज हमें चौथे और पांचवे यानी आगे के प्रश्नों का अध्ययन करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि तीसरा प्रश्न उन्हें कम समझ में आया है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि प्रमेय को हल करने के कम 3 तरीके होते हैं, तो परेशान मत होइए। मैं यहाँ पे आपको और ज़्यादा बेसिक तरीके से आज तीसरा प्रश्न समझाऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। पहले हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। कहता है कि आकृति 6.19 में डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर होगा बी ई बटे ई सी के। तो पहले देखते हैं कि आकृति कहाँ है। कह रहा है आकृति 6.19, तो आकृति ये है 6.19। और इसी आकृति में कहता है कि डी ई, ये आपका डी ई है जो कि हमें सीधा दिख रहा है कि इसके समांतर होगा ए सी के, वही लिखा भी है। और डी एफ, डी एफ है ये डी एफ, और डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। ध्यान से समझिएगा, सिद्ध करना है बी एफ, बी एफ ये है बटा एफ ई यानी एफ ई ये है, बराबर है बी ई, बी और यहाँ पे ई ये है बी ई बटा ई सी के यानी ई सी के। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसे छोड़िए, सबसे पहले देखिए कि ये जो पहले कंडीशन दे रहे हैं वो किस त्रिभुज में है, यानी कि डी ई समांतर है ए सी के। ये आपका डी ई है और ये ए सी यानी ये ए सी है, तो ये पूरा का पूरा त्रिभुज ये वाला लिया जा रहा है। और इस पूरे के पूरे त्रिभुज में कहा जा रहा है कि डी ई जो समांतर है वो ए सी के, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में। तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, जो दिया है वही लिखना है। त्रिभुज ए बी सी में डी ई यानी डी ई समांतर है ए सी के, तो हम लिख देंगे कि डी ई समांतर है ए सी के और ये दिया है। और जब हमें पता चल गया कि दो ये इसके समांतर है, तो हम लिख सकते हैं बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, अपनी प्रमेय का यूज करके कि बी डी बटे ए डी, या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि ए डी बटे बी डी, और ये बराबर होंगे किसके बराबर होंगे, बी ई बटे ई सी के। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि बी डी बटा ए डी, तो हम इसको लिखते हैं कि बी डी बटा ए डी, ये बराबर होगा किसके, बी ई बटा ई सी के, बी ई बटे ई सी के, यही होगा ना, बी ई बटे ई सी के, पिछली वाली प्रमेय की तरह। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई हमने बी पी टी का प्रयोग किया है, बी पी टी से, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है। दूसरी कंडीशन भैया कह रहा है कि डी एफ, ये वाला जो डी एफ है ये समांतर है ए ई के, यानी ए ई के समांतर है डी एफ। तो अब ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ये त्रिभुज है ए ई ये वाला, ठीक, यानी ए बी ई। तो हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ए बी ई में क्या कर रहा है, दिया है कि डी एफ यानी ये वाला डी एफ समांतर है ए ई के, तो हम लिखेंगे कि डी एफ है ये समांतर है किसके समांतर है, ए ई के, यही ना दिया है कि डी एफ, ये डी एफ समांतर है ए ई के। और ये चीज़ हम लिख देंगे कि हमें ये चीज़ दिया है
तो अब जब ये चीज़ हमें दिया है कि दोनों समांतर हैं एक दूसरे के, तो हम BPT का प्रयोग करके लिख सकते हैं कि BD बटे AD ये बराबर होगा BF बटे FE के, क्योंकि यही वाला यहीं तक तो त्रिभुज है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि BD बटे AD, लिखते हैं पहले कि BD बटे AD ये बराबर होंगे BF बटे FE के, BF अपान FE के। ये कैसे, ये BPT से, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 2। बस सिद्ध हो गया। कैसे, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है BF अपान FE बराबर होगा BE अपान EC के। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये BD अपान AD का मान है BE अपान EC। ये समीकरण 1 में हमने BD अपान AD का मान निकाला है, और यहाँ पे BD अपान AD का मान है BF अपान FE। तो हम इसको लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, ये ठीक पिछली प्रमेय की तरह जैसे हमने वहाँ पे किया था, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं कि जब दोनों का वाम पक्ष बराबर है तो हम इन दोनों दाहिने पक्ष को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, यानी BE अपान EC बराबर होगा BF अपान FE के, और लिख देंगे सिद्धम, ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो BE अपान EC बराबर BF अपान FE, और यही हमें सिद्ध करना था कि BE अपान FE ये वाला ये बराबर है BE अपान EC के। तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो चुका है। बस अंतर केवल इतना सा है कि इसमें BF अपान FE वाम पक्ष में है, और यहाँ पे BE अपान EC हमारा राइट साइड में ये वाला। तो आप कोई फ़र्क नहीं, आप चाहें तो इसको उठा के इधर लिख दीजिए और इसको उठा के इधर लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के, दर्शाइए कि EF समांतर है QR के। ध्यान से समझिए, आकृति 6.20 ये है, नीचे वाली ये वाली, और इसी में कह रहे हैं कि DE समांतर है OQ के, यानी ये DE है तो ये समांतर है किसके, OQ के, और DF ये DF है तो ये समांतर है OR के, और दर्शाना है कि EF यानी ये E है और यहाँ पे F यानी ये वाला EF समांतर है QR के यानी इसके। बहुत ज़्यादा आसान है, बस BPT का प्रयोग करना है। देखिए कैसे करना है, सबसे पहली कंडीशन आपको क्या दे रहा है कि DE समांतर है OQ के, ये है आपका DE और ये किसके समांतर है, OQ के। कौन से त्रिभुज में पड़ रहा है ये तो पड़ रहा है त्रिभुज PQO में, ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं आ जा रही हैं ED भी और OQ भी, ये PQO। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQ लिखिए या फिर PQO लिखिए, तो हम लिखते हैं POQ में। तो भैया हमने लिख दिया त्रिभुज PQO में, जो दिया है वही लिखिए। त्रिभुज PQO में आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि DE यानी ये DE समांतर है OQ के। तो इस बात को लिख दीजिए कि DE समांतर है OQ के और ये चीज दिया है। अब जो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी BPT से बराबर होगा, और भुजाएं कौन कौन सी होंगी, भुजा देखिए ध्यान से, इसकी भुजाएं ली जाएंगी PE बटा QE, या फिर आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि QE बटे EP, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, बात वही होती है। इनका अनुपात बराबर होगा PD बटे DO के, ठीक है। फिर से समझिए कि भुजाएं ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो BPT से PE बटे EQ बराबर होगा PD बटे DO के। तो हम इसको लिखते हैं कि PE बटा EQ यानी PE बटा EQ है
दिख नहीं रहा था बराबर, मैं चित्र बनाने से बच रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। पी डी बटा बटे डी ओ, और ये कैसे हो रहा है, ये बी पी टी से हो रहा है, ठीक है, ये बी पी टी से हो रहा है। और चलिए एक काम और कर देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं समीकरण नंबर एक, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बी पी टी से, या फिर आप लिख सकते हैं बाई बी पी टी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो हो गई, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दूसरी क्या चीज़ दे रहा है। कहता है कि डी एफ समांतर है ओ आर के, तो ये डी एफ है और ये समांतर है ओ आर के, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि यही त्रिभुज तो है, इसी में तो दोनों आ जा रही हैं रेखाएँ, तो पी ओ आर में लिखते हैं। तो त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया है, क्या दिया है आपको, डी एफ समांतर है ओ आर के, तो हम लिख देंगे कि भैया ये चीज़ तो हमें दिया है आपने कि डी एफ, यहाँ पे लिखता हूँ डी एफ ये समांतर है ओ आर के, और ये चीज़ आपने हमें दिया है। अब सिद्ध क्या कर सकते हैं हम इसकी सहायता से, हम सिद्ध कर सकते हैं कि जब ये दो रेखाएं बराबर हैं, समांतर हैं, तो इसका मतलब है कि पी डी बटे डी ओ या फिर ओ डी, कुछ भी लिख सकते हैं, ये बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी डी बटा डी ओ, तो हम लिखते हैं कि पी डी बटा डी ओ ये बराबर होगा किसके, पी डी बटा डी ओ का अनुपात बराबर होगा किसके, पी एफ बटे एफ आर के, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी पी एफ बटे एफ आर से, कैसे हुई, बाई बी पी टी, और ये हो गया समीकरण नंबर दो। अब देखिए जादू क्या हुआ है, हमारे पास दो समीकरण हैं, पहला है पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, ये समीकरण एक है, दूसरा समीकरण है पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये दूसरा समीकरण है, यहाँ पे भी पी डी बटा डी ओ, यहाँ पे भी पी डी बटा डी ओ, तो दोनों में पी डी बटा डी ओ है, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक व दो से अभी अभी जैसे पिछली वाली क्वेश्चन में किया एकदम सेम वही तरीका, हम लिख देंगे कि समीकरण एक व दो से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पी डी बटा डी ओ, यहाँ पे भी पी डी बटा डी ओ, तो हम पी एफ बटा एफ आर और पी ई बटा ई क्यू को बराबर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब पी एफ अपान एफ आर ये दोनों बराबर होंगे पी ई बटे ई क्यू के, ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें मिल गई। अब जो सिद्ध करना है उसको ध्यान से समझते हैं, पहली बात हमने क्या लाया है इस बात को समझते हैं कि पी ई बटा एफ आर, त्रिभुज देखिए ये पी ई है और इसका बटा क्या है, ये वाला है पी ई, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, हमने सिद्ध किया है कि पी एफ बटा एफ आर और पी ई बटा ई क्यू ये दोनों का अनुपात बराबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने सिद्ध किया है पी एफ बटा एफ आर बराबर है पी ई बटा ई क्यू के। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बी पी टी का विलोम यूज होगा, कैसे, अब हमें सिद्ध करना है कि ई एफ, ये ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो हमें ये पूरा का पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा पी क्यू आर, क्योंकि इस पूरे त्रिभुज में ही ई एफ और क्यू आर हैं ना, तो हम ले लेते हैं कि त्रिभुज, यहीं पे सिद्ध करता हूँ पी क्यू आर में, और हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं कि पी एफ अपान एफ आर ये बराबर है पी ई बटे ई क्यू के। तो अब ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं कि जब पी ई बटा ई क्यू ये दोनों का अनुपात पी एफ बटा एफ आर ये बराबर है, तो इसका मतलब ये ई एफ और क्यू आर एक दूसरे के समांतर होंगे। अभी यही पूरा त्रिभुज दिया होता, उल्टा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, डाउट्स मत छोड़िए कुछ भी, अभी यही पूरा त्रिभुज दिया होता और आपसे कहता कि ई एफ बराबर है क्यू आर के
तो आप क्या करते हैं कि जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, सॉरी समांतर हैं, तो पी एफ सॉरी पी ई बटा ई क्यू, ये इसका बटा बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर के, यही ना करते हैं। तो अब इसका विलोम यूज कर रहे हैं, कैसे, कि अब हमने सिद्ध किया है कि पी एफ, ये पी एफ बटा एफ आर यानी एफ आर, इसका अनुपात बराबर है पी ई बटा ई क्यू के। तो इसका मतलब है कि ई एफ यानी कि तब ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, किसके, क्यू आर के। और ये कैसे हो रहा है, बी पी टी के विलोम से। कि भाई तुम कहते हो विलोम मतलब उल्टा, यहाँ पे उल्टा ही काम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार ये समांतर रेखाएं दे देता था और हम इसका अनुपात करके निकाल लिया करते थे, लेकिन अब की बार हम इसका अनुपात ला रहे हैं और इसका विलोम लगा रहे हैं कि अब जब अनुपात इसका बराबर है तो ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे के समांतर होंगी। तो आपको इस चीज को इस तरह से लिखना है कि त्रिभुज, ये मैंने लिखा था ताकि आप देख सकें, यहाँ पर कॉपी पर लिखा है, इसको आपको नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, और ये चीज़ आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, आप इस तरह से लिखेंगे कि तब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, पूरा का पूरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, ये चीज़ आप लिख लीजिए कि पी एफ बराबर पी एफ बटा एफ आर बराबर होगा पी ई बटे ई क्यू के, और फिर लिखिए तब, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जब ये इनका अनुपात बराबर है तो ई क्यू ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो भैया ई एफ समांतर होगा क्यू आर है, एक मिनट देखते हैं, हाँ क्यू आर के, तो क्यू आर के, और ये कैसे हो रहा है, बी पी, यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी पी टी के विलोम से, ठीक है, इस तरह से। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, तीसरे प्रश्न पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं इस बात को। तीसरा प्रश्न है कि आकृति 6.18 में, ये आपकी आकृति है, इधर आ जा भैया, किताब भी नहीं आ रही है, हाँ, तो आकृति 6.18 में ये है आपकी आकृति 6.18। यदि एल एम, ये आपका एल एम है, समांतर हो सी बी के, इसके, और एल एन यानी ये एल एन है, समांतर हो सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या करना है। तीसरा प्रश्न, सबसे पहले देखते हैं कि किस त्रिभुज में पहली वाली कंडीशन हमें मिल रही है कि एल एम समांतर है सी बी के। तो एल एम समांतर है सी बी के, तो ये त्रिभुज है ए सी बी या फिर ए बी सी ना, तो यही तो त्रिभुज होगा। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जो चीज़ दी है वो चीज़ लिख लीजिए। क्या दिया है कि एल एम समांतर है बी सी के, तो जब एल एम समांतर है बी सी के, ये चीज़ हमें दिया है, थोड़ा सा फास्ट समझेंगे, दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि ए एम बटा एम बी ये बराबर होगा ए एल बटा एल सी के। तो हम लिख सकते हैं कि ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एल बटा एल सी के, और ये कहाँ से होगा, बाई बी पी टी, ठीक है, बाई बी पी टी, बी पी टी से होगा ना ये चीज़। इसको बना देते हैं समीकरण एक, या फिर रहने दीजिए, मत बनाइए। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन कि भैया कह रहे हैं कि जो यहाँ पे है कि एल एन, ये एल एन समांतर है सी डी के, तो किस त्रिभुज में पड़ रहा है, ए सी डी में। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज, तरीका समझिए बस, ए सी डी में हमें क्या चीज़ दी है, हमें दिया है कि भैया आपका एल एन यानी ये एल एन समांतर है सी डी के, तो जब एल
एन समांतर है सी डी के और ये चीज़ हमें दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि एल एन बटा एल सी बराबर होगा ए एन बटा एन डी के। तो हम लिख सकते हैं कि ए एल बटा एल सी बराबर होगा ए एन बटा एन डी के, और ये कैसे होगा बाई बी पी टी। इतना समझ में आ गया, अब देखिए क्या काम होगा। चलिए आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे एक समीकरण एक ये समीकरण नंबर दो बना देता हूँ। अब फिर से देखिए क्या काम हुआ है, ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी, तो समीकरण एक और दो से हम लिख सकते हैं कि ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एन बटा एन डी के। तो हम लिखेंगे कि समीकरण एक व दो से ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एन बटा एन डी के। और ये चीज़ आई क्या है इसको समझिए, ये आपका ए एम बटा एम बी है और ये आपका ए एन बटा एन डी है, सिद्ध क्या करना है, यही अनुपात आया है ना, ये ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के, ठीक है। और आपके पास है क्या ए एम बटा एम बी, सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी यानी ये ए एम बटा ए बी, ये चीज़ है ना ए एम बटा ए बी, ये बराबर है ए एन, ये ए एन है और ए एन बटा ए डी के। जादू क्या होगा उस जादू को समझिएगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए एम, ये ए एम बटा एम बी, क्या है एम बी। अब सोचिए कि ए एम और एम बी को अगर हम किसी तरह से जोड़ दें, किसी तरह से ए एम और एम बी को हम जोड़ दें तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ए बी। तो भैया हमारे पास है तो नहीं कि हम कहीं से एम बी को ए एम में जोड़ दें, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक जोड़ेंगे, लेकिन कब, पहले हम इसे उल्टा करेंगे, यानी इसका उल्टा कैसे होगा, एम बी को ऊपर ले जाइए और ए एम को नीचे ले आइए, यानी जब आप एम बी को नीचे ऊपर ले जाएंगे तो ए एम अपने आप ही नीचे आ जाएगा और यहाँ पे एन डी ऊपर चला जाएगा ए एन नीचे आ जाएगा। इस चीज़ को लिख सकते हैं और जब ये चीज़ कर दिया तो एम बी में ए एम को जोड़ना है, ये एम बी है अब ए एम को जोड़ लेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसे क्यों किया, यहीं आप इसका उल्टा ना करते, यहीं पे जोड़ देते तो क्या कुछ गलत हो जाता, बिल्कुल गलत हो जाता, ये ए एम था, बिल्कुल ये ए एम है और ये क्या है हमारे पास एम बी, एम बी में ए एम को जोड़ते तो हमें ए बी मिल जाता, लेकिन बटे में हमारे पास क्या आता, बटे में हमारे पास आता एम बी, क्या आता एम बी, लेकिन हमें नीचे क्या लाना है ए एम लाना है, ये ए एम बी कहीं पर भी नहीं है, एम ए है, ये ए एम है ना कि एम बी है, समझ रहे हैं इस बात को, इसीलिए हमने इस ए एम को नीचे लाया ताकि हमारा ए एम सुरक्षित बच जाए और यहाँ पे ए एम और एम बी जुड़ भी जाएं, जिसके जोड़ने से ए बी आ जाए। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा, फिर से समझिए, वीडियो लंबा होता है कोई बात नहीं, मुझे केवल इस बात से मतलब है कि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। हमने यहाँ पे इसे उल्टा क्यों किया, उल्टा इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर भी इसको जोड़ सकते थे, यहाँ पे एक जोड़ देते तो एम बी और ए एम जुड़ जाते, एम बी और ए एम जुड़ जाते और ये पूरा जुड़ करके ए बी हो जाता, लेकिन हमारे पास हर में बचता एम बी और एम बी की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पर भी एम बी हमें लाना ही नहीं है, हमें तो ए एम लाना है, ए एम लाना है, तो हमने ए एम को सुरक्षित रखने के लिए ए एम को नीचे कर दिया ताकि वो हर में रहे और सुरक्षित बच जाए। अब हम क्या करेंगे, हमें किसी तरह से ए एम और एम बी को जोड़ करके ये पूरी की पूरी रेखा प्राप्त करनी है, यहाँ पे भी ए एन और एन डी को जोड़ करके ये पूरी की पूरी रेखा प्राप्त करनी है, तो हम दोनों में प्लस वन कर देंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो ये हो गया एम बी प्लस ये ए एम ऊपर चला जाएगा यानी ए एम और पूरे का लासा ए एम बराबर ये हो गया एन डी और यहाँ पे भी प्लस वन से यानी एन डी में ए एन, चलिए इसको ए एन कर देते हैं और पूरे का बटा
एन। आई थिंक ये सिंपल सा कैलकुलेशन तो आपको आ ही रहा होगा कि पूरे का लासा लिया एम और एम से एम कट गया तो एम बी आ गया, और इसका हर था एक तो एक से एम बी में भाग हुआ तो एम बी आया, और एम बी से एक में गुणा किया तो एम आ गया। सॉरी, एम में एक से भाग दिया तो हमें एम मिला, और एम से एक में गुणा किया तो एम मिल गया। और वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ है कि एन से एन में भाग दिया तो एन कट गया, एन डी में एन डी का एन डी सेम आ गया, और यहाँ पे इसका बटा एक था, एक से एन में भाग दिया तो एन आया, और एन से जब एक में गुणा किया तो एन मिल गया। अब दोनों को एम बी और एम, एम बी और एम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा मिलेगा ए बी। तो हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं ए बी बटा ए एम बराबर, ये है एन डी बटा ए एन, ये है एन डी प्लस ए एन, यही ना है एन डी प्लस ए एन। तो ये पूरा का पूरा जुड़ के क्या हो जाएगा ए डी, तो ये पूरा का पूरा जुड़ करके हो गया ए डी, बी बन जाता है मुझसे बार बार ए डी और पूरे का बटा ए एन। अब आपके पास आया है ए डी बटा ए एन, सिर्फ एक ही पक्ष को देख रहा हूँ कि ए डी बटा ए एन आया है, और यहाँ पे सिद्ध करना है ए एन बटा ए डी। तो आप क्या करिए, फिर से इसको पलट दीजिए, फिर से इसको पलट देंगे, और जब इसको पलटेंगे तो ए एम ऊपर चला जाएगा बटा ए बी मिलेगा, और यहाँ पे भी ए एन ऊपर चला जाएगा बटा ए डी मिलेगा। और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, आपको लिख देना है इति सिद्धम। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में अगले प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।